हेलो स्टूडेंट्स नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर टेन ऑफ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन हेयर द क्वेश्चन इज अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स फोर्टीन किलोमीटर्स इन ट्वेंटी फाइव मिनट्स इफ़ द स्पीड रिमेन्स सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल्स इन फाइव आवर्स सो स्टूडेंट यहाँ पर क्या दे रखा है हमें एक ट्रक है वो फोर्टीन किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है ट्वेंटी फाइव मिनट्स में अगर ट्रक की स्पीड सेम रहेगी पूरी जर्नी में तो वो फाइव आर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो स्टूडेंट यहाँ पे ट्वेंटी फाइव मिनट्स दे रखे हैं यहाँ पे है फाइव आवर्स जब हम फाइव आर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो ट्वेंटी फाइव मिनट्स से ज़्यादा हो जाएंगे तो जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो डिस्टेंस भी क्या करेगा ज़्यादा कवर करेगा तो स्टूडेंट जब टाइम ज़्यादा होने से तो डिस्टेंस बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन या फिर डायरेक्ट तो स्टूडेंट कैसे करना है हमने पहले हमने अज्यूम कर लेना है यहां पे जो डिस्टेंस हम तय कर रहे हैं उसको नेम दे देंगे क्या कहेंगे हम उसको हम लेट सो वाई किलोमीटर बी दी रिक्वायर्ड डिस्टेंस ले लेंगे उसको डिस्टेंस तो स्टूडेंट इसका टेबल कैसा बन जाएगा यहां पर टेबल हमारे पास बन जाएगा यहां पे स्टूडेंट ऊपर हम टाइम को शो करेंगे टाइम ड्यूरेशन लेंगे हम मिनट्स में और नीचे हम स्टूडेंट क्या लेंगे जो डिस्टेंस ट्रेवल करा गया है रख के द्वारा वो आ जाएगा किस में आएगा किलो मीटर्स में अब स्टूडेंट यहाँ पे है क्या हमें दे रखा है ट्वेंटी फाइव मिनट्स में तो वो फोटीन किलोमीटर तय कर रहे हैं बट जब वो यहाँ पे टाइम फाइव आवर्स हो जाएंगे उनको जब हम कन्वर्ट करेंगे सिक्सटी से मल्टीप्लाई करके तो वो हमारे पास बन जाएंगे थ्री हंड्रेड मिनट्स थ्री हंड्रेड मिनट्स हो जाएंगे और डिस्टेंस को हमने बाई किलोमीटर मान रखा है तो स्टूडेंट ये कौन सा केस बन गया है जब टाइम इनक्रीज़ कर जाए सेम स्पीड पे तो डिस्टेंस जो हमारे पास कवर कर रहा है वो फोर्टीन से ज़्यादा होगा तो उस केस में हम ये हमारे पास कौन सी कंडीशन बन जाएगी वो हमारे पास हो जाएगा केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो स्टूडेंट इसका फार्मूला क्या होता है होता है एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू तो स्टूडेंट यहाँ पे ये एक्स वन है ये वैल्यू एक्स टू है जो नीचे दे रखी है वो वाई वन है और ये है वाई टू तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर्टीन इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड अपॉन वाई अब स्टूडेंट हमने क्या करना है वाई को इस साइड में ले आना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इनको हमने इनको यहाँ पे ट्वेंटी फाइव वाई बन जाएगा जब इस तरफ जाएगी वैल्यू वाई की तो ट्वेंटी फाइव वाई हो जाएगा इज इक्वल टू साइन इक्वल टू का यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई फोर्टीन हो जाएगा अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ गया है ट्वेंटी फाइव वाई है तो हमने वाई फाइंड करना है तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब मल्टीप्लाई आप मत करो बाद में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब यहाँ पे ट्वेंटी फाइव है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है इस तरफ जाके वो डिवीज़न में आ जाएगा तो स्टूडेंट ट्वेंटी फ़ाइव है यहाँ पे थ्री हंड्रेड तो हमें पता है ट्वेंटी फाइव थ्री हंड्रेड में कब आएगा जब ट्वेल्व के टेबल पर हम इसको कटिंग करेंगे ट्वेंटी फाइव को ट्वेल्व से जब करेंगे हम मल्टीप्लाई तो थ्री हंड्रेड आता है तो हमारे पास आ यहाँ पर आ जाएगा ट्वेल्व तो वाई हमारे पास बन जाएगा ट्वेल्व मल्टीप्लाई फोटीन सो so स्टूडेंट जब ट्वेल्व मल्टीप्लाई फोर्टीन करेंगे तो हमें पता है फोर्टीन टू हजार ट्वेंटी एट टू कैरी करेगा फोर्टीन वन हजार फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन तो स्टूडेंट हमें अब पता लग चुका है कि फाइव आवर्स में ट्रक कितने डिस्टेंस तय करेगा वन सिक्स एट किलोमीटर तो हमारे पास स्टूडेंट ये आंसर हो जाएगा This is the answer of question number 10 of exercise 13.1. Thank you, students.